भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास के, पुरुषोत्तम मास के, मल मास के 20वें अध्याय की 20वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पुरुषोत्तम मास बड़ा ही पुण्यदायी मास माना जाता है। प्रत्येक 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास का आगमन होता है। पुरुषोत्तम मास को साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया है। यदि आप अपने जीवन के कष्ट और संकट समाप्त करना चाहते हैं तथा अपने जीवन की समस्त मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको पुरुषोत्तम मास के नियम का पालन करना चाहिए और इस महीने में दान पुण्य करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आज हम आपको पुरुषोत्तम मास के 20वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवासुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे न विनिवेशयन्तिम वटस्य पत्रस्य पुटेशियानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वरहापीडम नटवर पपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वास कनकपीशं भेजे अंतिम जमालां। रंध्रान वेणोर्धर सुदया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्रावीशत गीत कीर्ति। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास के अधिक मास के 20वें अध्याय की कथा का यहाँ पर प्रारंभ होता है। सूत जी महाराज बोले कि हे विप्रो, नारायण के मुख से दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुन करके पूर्ण तृप्त न होने के कारण नारद जी नारायण मुनि से पूछने लगे, हे महामुने, हे तपोधन, दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो मुझसे विस्तार पूर्वक आप कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना करके जो कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। दृढ़ धनवा बोले कि हे महामुनि, मुक्ति चाहने वाले लोग पुरुषोत्तम मास का सेवन कैसे करें तथा इसमें कौन से देवता की पूजा करें, किस प्रकार उनकी पूजा करनी चाहिए, किस वस्तु का दान करना चाहिए और उसके करने की विधि क्या है, यह लोक हितार्थ कृपा करके मुझसे कहो, क्योंकि लोक हितार्थ ही आप जैसे महात्मा पृथ्वी पर विचरण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम भगवान का स्वरूप है, अतः इस मास में व्रत दान आदि करने से महान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह मैंने आपके मुखारविंद से सुना है। मैं अपने पूर्व जन्म के सुदेव नामक ब्राह्मण के वृत्तांत को सुनकर के और इस मास के फल स्वरूप मरा हुआ पुत्र उठ करके खड़ा हो जाने की बात को सुनकर के, हे ब्राह्मण, पुत्र शोक में अज्ञानवश निरंतर निराहार रहने से मेरा वह पुरुषोत्तम मास व्यतीत हो गया। उसका यह फल हुआ कि मरा हुआ पुत्र पुनः जीवित हो गया और फिर से जो है मुझे सब कुछ सुखों की प्राप्ति हुई। फिर मैंने हरि के मुख से सुना हुआ और अनुभव किया कि पुरुषोत्तम मास का पूजन किया। हे तपोधन, इस जन्म में मैं वह सब पूजा विधान भूल गया, अतः मुझे फिर से कृपा करके सारा विधान सुनाइए।
वाल्मीकि ऋषि बोले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करे। फिर एक बड़ा जल पात्र लेकर के नैऋत्य दिशा को गांव से दूर कुछ चला जावे। फिर सांझ समय कान पर यज्ञोपवीत लपेट करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पृथ्वी को घास से ढक करके सिर पर वस्त्र लपेट करके और मुख को बंद करके न थूके न बोले, इस प्रकार मल मूत्र का त्याग करे। और यदि रात्रि का समय हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करे। फिर उठ करके दुर्गंधी दूर करने के लिए तथा शुद्धि के लिए गुदा और लिंग को जो है हाथ पांव को मिट्टी आदि से धोए और शुद्ध होकर के इस प्रकार सोच करके मृतिका और जल से हाथ पांव धो करके शुद्ध होकर के तीर्थ स्थल में हाथ पैरों की शुद्धि न करे। तीर्थ से पात्र में जल लेकर के एक हाथ भर करके अंतर छोड़ करके शुद्धि करे। पीछे तीर्थ में शुद्धि करे अन्यथा अशुद्ध ही रहता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का व्रत करने वाला शोच कर्म करे। पश्चात गृहस्थ 16 अथवा 12 कुल्ला करे और मूत्र विसर्जन करने के बाद 8 व 4 बार कुल्ला करे। फिर उठ करके नेत्रों को धो करके दातुन ले आए। फिर निम्न मंत्रों को बोलते हुए दातुन करे। आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशु वसूनी च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहिं वनस्पते। हे वनस्पते, आप हमें आयु दे, बल दे, यश दे, तेज दे, संतान दे, पशु दे, धन दे, ब्रह्म ज्ञान और बुद्धि प्रदान करे। बिना छिद्र की 12 अंगुल की ओंगा या बबूल की कनिष्ठ अंगुली के समान मोटी बिना गांठ की दातुन करे। रविवार को दातुन करना मना है, अतः 12 कुल्लाओं से मुख शुद्धि करके आचमन करे। प्रातः काल भली भांति स्नान करने के पश्चात तीर्थ देवताओं का तर्पण द्वारा जल दे। समुद्र में गिरने वाली नदी का स्नान करना श्रेष्ठ कहा गया है। बावड़ी कुआ तालाब में स्नान करना पंडितों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध सफेद 2 वस्त्र धारण करें। बुद्धिमान ब्राह्मण को अंगोष्ठा सदा कंधे पर रखना चाहिए। प्रातः काल शुद्ध स्नान करके पूर्व की ओर मुख करके और सायंकाल उत्तर की ओर मुख करके बैठे। फिर शिखा यानी अपनी चोटी को बांध करके जांघों के मध्य हाथों को रख करके कुशा की पवित्री पहन करके आचमन करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, किंतु भोजन करने से अशुद्ध हो जाती है, अतः उसका विसर्जन कर देना चाहिए। आचमन करके गोपी चंदन से तिलक करें। तिलक डंडे के आकार का सीधा हो, सुंदर हो, ऊर्ध्वपुंड हो या त्रिपुंड हो, उसके बीच में छिद्र रखे, क्योंकि ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी जी सहित हरि भगवान निवास करते हैं और त्रिपुंड में पार्वती जी सहित साक्षात शंकर जी विराजित रहते हैं। यदि छिद्र न हो तो उसे कुत्ते के पांव की भांति जानो, ऐसा विद्वानों ने कहा है। सफेद ऊर्ध्वपुंड तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्य को वश में करने वाला, पीला तिलक सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि को देने वाला। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के तिलक न लगावे। गोपी चंदन की माटी से शंख चक्र गदा पद्म धारण करें। ये सब पापों को नष्ट करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिनके शरीर पर शंख चक्रादि हो उनको साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए। वे भगवान के नित्य शरीर है जो शंख चक्रादि चिन्हों को नित्य धारण करते हैं। उनके शरीर के पाप पुण्यमय हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिनके शरीर चिन्हित रहते हैं उनके करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। फिर प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातः काल की संध्या जब तक तारे दिखते हैं तब तक यथा विधि करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। फिर सूर्य भगवान के मंत्रों से सूर्य के सामने खड़ा होकर के अंजलि दे और सायंकाल के समय भूमि पर अपने पैरों को करके नमस्कार करे। और यदि कोई कमी रह गई हो तो उसके निमित्त निम्न मंत्र का जो है जाप करना चाहिए। यस्य स्मृत्या नमोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णता याति सद्यो वंदे तमच्युतम्। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। यानी आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, उन सब की निवृत्ति के लिए
आपको 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण कर लेना चाहिए। जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या वंदन करते हैं उनको तीनों लोकों में कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। यह दिन के प्रातः काल के कर्म है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करें। फिर व्रति पुरुष शुद्ध तथा मौन होकर के गोल व चोकोर शुद्ध गाय के गोबर से लीपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावल से 8 दल वाला कमल बनाए। फिर स्वर्ण चांदी तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस पर मंडल पर स्थापित करें। फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थों का लाया हुआ कल्याणकारी जल भर करके ऐसा कहे कि कलश के मुख में विष्णु है, कंठ में भगवान रुद्र है, मूल में ब्रह्मा जी विराजित है, मध्य में मातृगण स्थित है, कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यह 4 वेद अपने अंगों के सहित कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश स्थापन करके उसमें सब तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए और पापों का नाश करने के लिए यहाँ पर पधारे। फिर कलश का मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ऋतु में खिलने वाले ताजे पुष्पों से पूजन करें। कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे। उस पात्र के ऊपर सोने के राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। अनंतर भक्ति पूर्वक विधि विधान से पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम ही है, अतः उनकी पूजा पुरुषोत्तम मास के आने पर ही करें। जिसकी सेवा से संसार सागर में डूबता हुआ जीव तर जाता है यह ध्रुव सत्य है। उसे संसार में कौन मनुष्य नहीं सेवेगा। गांव, द्रव्य, पुत्र, ग्रह और शुभ अशुभ कर्म सभी बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। शरीर रक्षा धर्म के लिए है और धर्म रक्षा ज्ञान के लिए है, तथा ज्ञान से मोक्ष सुलभ होता है। अतः धर्म का आचरण करें। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म है। धर्महीन मनुष्य का शरीर बांझ वृक्ष की भांति है जिसमें फूल व फल नहीं लगते हैं और वह शरीर निष्फल माना जाता है। वह पेड़ भी निष्फल माना जाता है। माता, पिता, मित्र, स्त्री, पुत्र, भाई, द्रव्य आदि कोई नहीं सहायक होता है। केवल आपके किए हुए जो है पुण्य कर्म ही आपके साथ चलते हैं। जो आप धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, वह ही आपके लिए सहायक होगा। वृद्धावस्था सिंघनी की भांति डराती है। व्याधियां शत्रुओं के समान पीड़ित करती है। फूटे हुए बर्तन से जैसे जल टपकता रहता है, उसी प्रकार प्रतिदिन आयु क्षीण होती रहती है। लक्ष्मी जल तरंगों के समान चंचल होती है। जवानी फूल की तरह क्षण भर में मुरझा जाती है। सांसारिक सुख भोग स्वप्न की भांति व्यर्थ है। द्रव्य और मन चंचल है। संसार के सुख नाशवान है। ऐसा जान करके विरक्त होकर के धर्म कार्य में तत्पर रहे। सर्फ से आधा निगला हुआ और मेंढक भी पुनः मक्खी खाने की इच्छा करता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव भी दूसरों को पीड़ा देने तथा धन के अपहरण करने की लालसा रखता है। मृत्यु के मुख में गए हुए आयु वाले पुरुष को क्या सुख आनंदित कर सकता है। पशु को वध स्थल पर ले जाने पर उसका भागना निरर्थक है। जब धर्म करने के लिए चित्त प्रबल होता है तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है, और जब पास में धन है तब धर्म की ओर चित्त नहीं होता है। जब धर्म कार्य में चित्त और धन दोनों होते हैं तब उस समय सत्पात्र नहीं मिलता है, योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है। जब इन तीनों चित्त, वित्त और सत्पात्र का मिलन हो जाए तब बिना विचारे जो धर्म करता है वही बुद्धिमान पुरुष है। बहुत धन होने पर हजारों प्रकार के धर्म कार्य होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े ही द्रव्य से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण होना, इतना ही सत्कर्म किया जाए तो वह महान भय को जो है समाप्त कर देता है और मनुष्य की रक्षा होती है, सुरक्षा होती है। जैसे गंगा तीर्थ है, कामदेव ही धनुर्धर है, विद्या ही धन है और गुण ही सौंदर्य है, वैसे ही सब मासों में साक्षात पुरुषोत्तम मास है। यद्यपि यह मास पहले सब यज्ञादि धर्म कार्यों में निंदनीय था, तथापि साक्षात भगवान कृष्ण के नाम के प्रभाव से यह पृथ्वी पर विख्यात हुआ और इसका नाम पुरुषोत्तम मास हुआ।
जैसे सब प्राणियों के पैर हाथी के पांव में समा जाते हैं, वैसे ही सब धर्म और कलाएं पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जैसे गंगा जी के समान सब नदी नहीं होती है, ऐसे ही कल्प वृक्ष की भांति सारे वृक्ष नहीं होते हैं। जैसे पृथ्वी पर चिंतामणि के तुल्य अन्य रत्न नहीं होते हैं, और गायों में कामधेनु के समान अन्य गायें नहीं हो सकती है, राजा के समान अन्य पुरुष नहीं हो सकते हैं, वेदों के समान अन्य शास्त्र नहीं हो सकते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास के समान कोई भी पुण्य काल हो ही नहीं सकता है। पुरुषोत्तम मास जैसा उसका नाम है वैसा ही गुण है। इसके देवता पुरुषोत्तम भगवान साक्षात नारायण है। अतः श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। शास्त्रों में निपुण शुद्ध सत्यवादी वैष्णव ब्राह्मण आचार्य के द्वारा ही पूजन संपन्न कराएं। अंतःकरण में होने वाले काम क्रोध मोह लोभ मद मस्तर रूपी बड़ी मच्छियों से अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार सागर को जो लोग लांघना चाहे, वे इस भरत खंड में आदि देव पुरुषोत्तम की ही विधिवत पूजा करे तो निश्चय ही उन्हें महान पुण्यों की प्राप्ति होगी तथा उनके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे और उनके जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की 20वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। इसके बाद अगली कथा आपको 21वें अध्याय में सुनने को मिलेगी। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर भक्त जनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा श्रवण की है, इस कथा के निमित्त दान दक्षिणा यदि आप प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से हमें दान दक्षिणा आप प्रदान कर सकते हैं तथा पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।